आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। गर्मी का सीजन है और अचार हर घर में बन रहा है, लेकिन किसी को खट्टा पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। तो आज मैं सबको मिक्स करके एक चटपटा अचार बनाती हूँ जो कि खट्टा मीठा दोनों ही है। आम का मीठा अचार बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आम लिया है। इसको अच्छे से धो करके, छिलका निकाल करके और इसको जिस शेप में आप चाहें उस शेप में काट करके रख लीजिए। ये 250 ग्राम आम है जो कि एक कप है, तो एक कप मैंने यहाँ पे चीनी भी लिया है। एक टीस्पून मिर्ची, एक टीस्पून पचफोड़ना, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून नमक, और ये थोड़े से अचार के मसाले। अचार के मसाले में मैंने यहाँ पे सौंफ, मेथी और अजवाइन को दरदरा पीस लिया है। पैन को गरम कर लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल 1/4 के करीब डालना है क्योंकि ये अचार है, इसमें पानी भी नहीं जाता है तो पूरे एक साल तक ये रहता है, तो ऑयल की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। तेल गरम होने के बाद पचफोड़ना डालेंगे। ये जब अच्छे से चटक जाए फिर आम डालेंगे। अब इसमें आम डालेंगे। और फिर 2 मिनट के लिए सिम करके ढक देंगे। इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, करीब 2 मिनट के बाद ढक के कुक करेंगे तो इस तरह का कलर आ जाएगा। ये इंस्टेंट बनने वाला अचार है। अब इसमें हल्दी, अचार का मसाला, धनिया, जीरा और मिर्ची और ये चीनी, और बिल्कुल इसको सिम पे ही रहने दे। जब ये चीनी गल जाए तब गैस को ऑफ करेंगे। फिलहाल इसको कम पे इसको पकाते हैं। ये 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए इसमें चीनी बिल्कुल घुल गया है। अब गैस को के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको कवर करके ठंडा होने देंगे और फिर इसको जार में भर लेंगे।